हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और आप वीडियो तो सब देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, ना कमेंट करते हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। अभी बज गए हैं 10, तो आज थोड़ी काम कुछ ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि आज मम्मी की है तबीयत ख़राब। वो अभी अभी उठे हैं, उनको चाय बना के दी है और अमनू का लग रखा है स्कूल, तो वो स्कूल गई। गिन्नू की ऑनलाइन क्लास चल रही है तो बीच बीच में उसको भी देखना पड़ता है। और अभी किचन का काम करके आती हूँ मैं। खाना वगैरह सब बना दिया है, लंच पैक कर दिए हैं। दीदी ऑफिस गए, वो अभी जाएंगे। पापा जी भी अभी दुकान पे जाएंगे। और अब मैं कर रही हूँ घर का बाकी काम, डस्टिंग वगैरह करके फिर झाड़ू पोछे करूँगी। और आज 2 दिन के कपड़े हो रखे हैं तो मशीन भी लगा रखी है मैंने, उसके बाद धोऊंगी कपड़े। डस्टिंग वगैरह मैंने सारी कर रही हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो आज सारा काम खुद ही कर रही हूँ। वरना थोड़ा बहुत मम्मी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। आज मम्मी के सिर में दर्द हो रखा था तो मम्मी अभी उठे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। डस्टिंग वगैरह हो गई है, अभी मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि इनके ऑफिस निकलने से पहले पोछा तो लगेगा नहीं, तो झाड़ू झाड़ू लगा लेती हूँ इतने, फिर ये ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, उसके बाद पोछा भी लगा लूँगी। और आज लगा रखी मैंने मशीन, इसलिए नीचे का काम फटाफट से उठा के फिर ऊपर जाके कपड़े भी धोने हैं। मम्मी बैठ गए हैं गिन्नू के पास क्योंकि इसके पास एक को बैठना पड़ता है, वरना ये काम नहीं करता बिल्कुल भी स्कूल का। अभी मैं बाहर का धो देती हूँ क्योंकि बाहर मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर धोते नहीं हैं तो सिर्फ पोछे से फिर वो मिट्टी पूरी निकलती नहीं है, इसलिए बार बार का पूरा धो के उसके बाद ही पोछा लगाते हैं ताकि मिट्टी ना रहे। तो इसलिए मैंने अभी पूरा ये बाहर का धो दिया है, उसके बाद लगा दूंगी पोछा। वाश बेसन की सफाई भी करती है मैंने क्योंकि वाश बेसन की सफाई नहीं करते तो इतना गंदा हो जाता है, बच्चे यहाँ पे हाथ धोते हैं तो साफ नहीं रहता है फिर वो, इसलिए वाश बेसन की सफाई भी करते थे। पापा जी अभी आ गए हैं मंदिर जाके, तो पापा जी का नाश्ता भी दे दिया मैंने। पापा जी का नाश्ता रख के उसके बाद बाहर का धोने लगी थी ताकि पापा जी अपने नाश्ता करके फिर दुकान जाने के लिए लेट ना हो, इसलिए मैंने पापा जी का नाश्ता पहले ही डाल दिया था। पापा जी नाश्ता करेंगे तब तक मैं बाहर का पानी लेकर झाड़ दूँगी। पोछा लगा रही थी, पापा जी जा रहे हैं मंदिर दुकान और मम्मी ले रही हैं गिन्नू की क्लास, गिन्नू के पास में बैठ के। तब तक मैं लगा देती हूँ फटाफट पोछा क्योंकि इसकी क्लास ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद तो ये इधर से इधर उधर इधर से उधर घूमता रहेगा तो पोछा अच्छे से लगता नहीं है, तो इसकी क्लास ख़त्म होने से पहले ही मैं पोछा वगैरह सब लगा देती हूँ ताकि थोड़ी देर तो सफाई बनी रहे। वरना बच्चे ऐसे हैं कि 2 मिनट में पोछा लगाया और नहीं लगाया एक बराबर कर देते हैं, वैसे का वैसे करके छोड़ देते हैं। पोछा भी मेरा लग गया है, बाहर वाले रूम में ही मैंने पोछा लगा दिया, तो मैंने पोछा लगाया, पोछे का काम मेरा हो गया कंप्लीट। किचन का काम मैंने पहले ही कर लिया था, पोछा लगाने से पहले मैंने किचन का काम कंप्लीट किया था, उसके बाद पोछे की लगी थी क्योंकि सुबह सुबह वो घर पे सब घर पे रहते हैं, उस टाइम पर झाड़ू पोछा तो होता नहीं है,
तो इसलिए उस टाइम पे रसोई का सलटा देते हैं ताकि हम डिजाइन के बाद में सकते उसके बाद में आराम से झाड़ू पोछे कर सके। अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, ऊपर आके फिर कपड़े वगैरह सब मशीन में डालने हैं। मशीन लगा रखी थी आज, कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए सारे कपड़े वगैरह मैंने सारे मशीन में डाल दिए। अगले दिन मैं ऊपर कपड़े सुखा दिए, आधे कपड़े मैंने पहले सुखा दिए थे। फिर अनु खड़ी हो ले तो बेटा, मुंह तो इधर कर ले। क्या हो गया? खत्म खत्म। अच्छा कर रहे हैं। अभी कर रही हूँ मेथी साफ, क्योंकि मम्मी बना रहे हैं मेथी के लड्डू, उसके लिए मैं कर रही थी मेथी साफ, और साथ में ही हम उनको पटाने का काम भी कर रही थी, क्योंकि वो उसके पास में कोई बैठता नहीं है तब तक वो स्कूल का काम नहीं करती है, तो साथ साथ मैं उसको स्कूल का काम भी करवा रही हूँ और मेथी भी साफ कर रही हूँ। तो मम्मी बनाएंगे कल मेथी के लड्डू, इसलिए आज इस मेथी को साफ करके और पीस के फिर बेल भिगो के रखेंगे, ताकि मेथी में जो कड़वास होता है वो ना रहे और लड्डू कड़वे ना लगे।